यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। हाँ जी, तो आप बताइए कि ये अनाउंसमेंट हुआ है, हाँ, आप कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि हाँ, पहले तो ये मैं बहुत ही खुश हूँ, और मेरी और सुजॉय जी की बात वैसे तो बहुत कम हुई है, बट कुछ कम समय में हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा हो गया, और आज उनके फिल्म का अनाउंसमेंट और मुहूर्त था तो हम यहाँ पे आए हैं। आई विश कि इनकी फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा नाम कमाए, इंटरनेशनली नंबर्स भी कमाए, और मेरी गुड विशेज उनके साथ है, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाए वैसी मैं दिल से दुआ करता हूँ, और आई होप कि मैं उनके साथ भी बहुत जल्दी काम करूँ। आई विश कि आने वाले दिनों में इस तरह से, क्योंकि रियलिस्ट स्टोरी पर yes. आपकी हमने एक फिल्म देखी थी रानी मुखर्जी जी, जी। अपकमिंग और भी ढेर सारे टाइप हुए हैं आपके, तो जरा ऐसा कुछ बताइए कि आने वाले दिनों में क्या रियल स्टोरी पर हम ऐसे देश देखेंगे? अभी तो फ़िलहाल मैं काफ़ी सारे फिल्मों के और सीरीज़ के प्रोसेस में हूँ, मैंने अब तक कुछ भी फ़िलहाल साइन नहीं किया है, बट आई होप होपफुली मैं बहुत जल्दी कुछ ना कुछ साइन करूँगा, और तभी मैं बता पाऊँगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। तो फिलहाल जब तक मेरे पास क्लियर आइडिया नहीं है तो मैं कुछ आपको आंसर नहीं कर सकता इस रिगार्डिंग। ये ही बात है, मैं बिग बॉस फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली बात यह है कि मेरी बहन की शादी है दिसंबर में, तो मैं उसी के काम में उलझा हुआ हूँ, तो मैं बिग बॉस फॉलो तो नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम सॉरी, वरना मैं आपको डेफिनेटली इसकी कुछ बात हाँ शॉपिंग चलती है, और घर पे मुझे तो ड्राइवर का काम मिल जाता है हमेशा ही, मेरी मॉम को या मेरी बहन को शॉपिंग करने जानी होती है तो चलो विशाल गाड़ी लेके निकलो, ये सारे काम तो मुझे करने पड़ते हैं। बहुत एक एक्साइटमेंट का माहौल तो डेफिनेटली है, बट जब बहन इतने साल आपके साथ रही है और अभी आपको फाइनली ये बात समझ में आती है कि ये कुछ समय के बाद आपके घर पे नहीं रहने वाली है, तो दुख होता है और घर पे बहुत ही इमोशनल माहौल हो जाता है। टू बी वेरी फ्रैंक, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बातें करते करते मेरी मॉम रोने लगती है, मैं रोने लगता हूँ, हम सब रोते हैं, बट खुशी है इस बात की कि जिस फैमिली में जा रही है वो बहुत ही अच्छी फैमिली है, और आई होप कि उसकी मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। हैप्पी दिवाली महेश, और एक तो सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन बॉम्बे पाई के लिए, थैंक यू। कब से सब कुछ स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या पैसे जाएगा? बॉम्बे फाइव जो फिल्म है दिसंबर से शूटिंग शुरू होने वाली है, और ये एक रियल इंसिडेंस हुआ था बॉम्बे की बस्ती में, तो बहुत ही रियलिस्टिक सब्जेक्ट है, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा किरदार बहुत स्ट्रॉन्ग है और अंजलि मेरे ऑपोजिट है, तो आप इनसे भी पूछ सकते हैं जी। बहुत एक्साइटेड हूँ, और सुजॉय जी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे इस फिल्म के लिए चूज़ किया है, कास्ट किया है, सो वेरी वेरी थैंक यू, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क ऑपोजिट हिम, एंड ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम, आई वॉच ऑल हिज शॉर्ट फिल्म्स, अवार्ड विनिंग फिल्म्स, सो वेरी एक्साइटेड, एंड ऑब्वियसली द सब्जेक्ट इज़ वेरी गुड एंड डिफरेंट, सो वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। थैंक यू अंजलि। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, एक बहुत ध्यान से ये फिल्में बनानी पड़ती है, रियलिस्टिक सब्जेक्ट्स और रियल कहानी है जो ये बॉम्बे की बस्ती में हुई है, तो हमें बहुत चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, और हम मेहनत कर रहे हैं, इसलिए हमने शूटिंग रखी है दिसंबर से, ताकि हम स्क्रिप्ट को और ध्यान से बनाएं और हमसे कुछ गलती नहीं हो जाए। अगर अंजलि जी आप भी थोड़ा थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बता सकते कि क्या कुछ जॉनर आप लोग करने वाले हैं, इतना सभी बता, पहले आप बताएं। नहीं अंजलि जी, ठीक है, तो मेरा कैरेक्टर आयशा का कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, मुस्लिम लड़की है, और
जो जिसको चाहती है वो एक गैंगस्टर है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मासूम कैरेक्टर है, मुझे ऐसा लगता है सॉफ्ट है लड़की और ऑपोजिटली बिल्कुल अपने से ऑपोजिट एक लड़के से मोहब्बत करती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है और बाकी ज़्यादा आपको फिल्म जब आ जाएगी तब पता चलेगा। इसमें तो पता चलेगा कि आप एक गैंगस्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। ये कैरेक्टर जो था बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर था, विलन कम हीरो था और इस कैरेक्टर का नाम है बशीर खान, तो ये किरदार मैं कर रहा हूँ। तो इस किरदार के लिए भी यही कुछ गेटअप है, तो अभी से ही मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया है, उसकी इतनी दाढ़ी थी और अभी इस किरदार में मैं घुसता जा रहा हूँ, तो बहुत ही चैलेंजिंग है और बस आप लोग प्रे कीजिए मैं अच्छा काम करूँ। चलिए, ये हम सवाल तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर से, लेकिन आपसे जानना चाहिए कब तक ये लोगों के बीच में आ जाएगी? अगर ये दिसंबर जनवरी आप पकड़ के, मेरे हिसाब से जुलाई के बाद ये फिल्म आ जाएगी सभी के सामने। थैंक यू सो मच एंड सभी को एक बार दिवाली विश कर दे, सब मीडिया वाले एंड एवरीबॉडी हैप्पी हैप्पी दिवाली और हमेशा आप लोग खुश रहिए एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ और हमारी एंटायर टीम बॉम्बे 5 की टीम की तरफ से वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। फोटो ले लो, फोटो सवाल पूछो। हां सवाल ले लो, कैमरे का वीडियो 3 4 5 6 7 कैमरे। वापस आ गए, सब गांव में गए। सर 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 थोड़ा सर बोला महेश सेंटर रहेगा सर। कांग्रेचुलेशन बॉम्बे 5 के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कि आज अनाउंसमेंट हो चुका है तो बताइए कि कितने एक्साइटेड हैं जब इस तरह से रियल स्टोरी पर बेस्ड फिल्में आप करते हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक्चुअली बॉम्बे 5 एरिया में मैं रहता हूँ, वहीं पे पैदा हुआ था, वहीं पे रहता हूँ और जब मैं ऑब्वियसली यू नो बचपन में ये जो कुछ इंसिडेंट्स है इस फिल्म के अंदर उनके बारे में मैंने सुना था और अब जाके रियल लाइफ पे उसे पोर्ट्रे करने का मौका मिल रहा है, तो वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ और जो मेरा कैरेक्टर है मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है एंड डेफिनेटली अश्विन ऐसे जो है, अश्विन ने काफ़ी काम किया हुआ है तो उनसे बहुत सीखने को मिलेगा। आई एम लाइक एम लर्नर राइट नाउ, तो या डेफिनेटली आई एम रियली हैप्पी। जैसा कि हमने बात की रियल स्टोरी पर जी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि वो डिट्टो हमें स्क्रीन पर दिखाना है। हाँ डिट्टो आई डोंट नो 100% हो पाता है, मतलब इन जो ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें थोड़ी सी लीवे और लिबर्टी मिलेगी, बट हाँ जैसे कि आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि कहीं ना कहीं जो रियल लाइफ कैरेक्टर्स हैं उनका एक थोड़ा सा है हिस्ट्री, गूगल पे अगर आप जाओगे तो थोड़ा सा है वहाँ पे, बट वी हैव दैट लिटिल लीवे तो टेंशन मत लेना। अभी हमारे डायरेक्टर सर यहाँ भी खड़े तो मुझसे क्या पूछना है, सर क्या नाम देखिए क्या क्या मतलब क्या बता दें बोले? देखिए अश्मित जी के बारे में विस्तार से बताइए। ओहो यार तुम लोग ने पकड़ लिया है तो सही बताएं, दो एक जगह पे इसने पिया था क्योंकि टेस्ट करने के लिए जो ये बनाती है, ये एक्चुअली भट्टी है इसकी, शराब की भट्टी होती नहीं, वो भट्टी टेस्ट करने के लिए चेक करती है, तो क्या होता है पहले जब पक जाती है ना तो उसको टेस्ट करती थी, कई बार उसने टेस्ट किया, अपने आदमी लोग को नौकर लोगों को बोला ला ज़रा टेस्ट कराए,
तो टेस्ट करी, बोलती है हाँ बराबर मज़ा आ गया, बहुत नशा आ गया है, साले पूरा एरिया पिएगा तो मेरे दारू से मस्त हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगा। तो दो तीन बार पिया, इसलिए मैं उसको बेवड़ी बोल रहा हूँ, हाँ और कोई बात नहीं। और वो एक्चुअली इसका शराब की भट्टी है और उस एरिए में रहती है। और मोनिया जो कैरेक्टर है, जो भाई है मोनिया, ये हमारे अश्विन पटेल जी, उनके अपोजिट है और ये उससे प्यार करती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा हो गया कि इसको कुछ गुंडे उठा के ले जाने लगे तो ये बचाते हैं और ये इसके मतलब इसके एक्शन पे मर जाती है और लव करने कर बैठती है। और बेसिकली इसको अगर समाप्त करें इनके कैरेक्टर को, तो पहले उनको शराब से प्यार था और फिर शराब से फिर ये बताएंगे आपको, क्योंकि मैं बिग बॉस देखता नहीं, लेकिन अश्विन तो बहुत फेमस शो है पर वो फॉलो नहीं कर पा रहे। मैं ये बताऊंगी, मैं देख रही हूँ बट मुझे इतना मज़ा नहीं आ रहा है ऑनेस्टली। 13 में सीजन मज़ा नहीं आ रहा, ऐसा कह सकती हूँ? हाँ ऐसा कह सकती हूँ कि ये सीज़न इतना ठंडा लग रहा है मुझे, बहुत कंफ्यूज कैरेक्टर्स है अंदर। बाकी मैंने 13 देखा था, बहुत इन्जॉय किया था, 12 में मैं खुद थी, तो मैं कभी देखता नहीं बिग बॉस। मैंने इनके सीजन के एक आध दो एपिसोड देखे, क्योंकि मेरे दोस्त करणवीर बोल रहा है रिक्वेस्ट हिम कि प्लीज जाके देखे कुछ प्लीज। एंड आपका फेवरेट जो कंटेस्टेंट है, हां कौन है? कहां 13 में 14 में मुझे जैस्मिन बहुत अच्छी लग रही है ओवरऑल, बाकी मुझे कोई इतना कोई खास सभी लगा नहीं है। वो भी भाई गिरी का है हमारे, फोटो वगैरह ले लें। साउथ के एक्टर है, एक सेकंड स्टार्ट करो वीडियो सर। जानना चाहूँगा आपके कैरेक्टर के बारे में जो फिल्म प्ले कर रहे हैं, कितनी सैटरडेज कैरेक्टर? सर आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म। एक्चुअली मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ अंडर गैंगस्टर का, जिसका नाम है बाबा एंथनी। सो एक गैंगस्टर इन दसेंस वो कोलाबा एरिया का प्लेस का एक गैंगस्टर है जो स्मगलिंग करता है, मर्डर करता है, किडनैपिंग सब चलता रहता है उनका। सो उनके बारे में ज़्यादा कुछ मुझे पता नहीं। सो हुसैन भाई ने मुझे बोला कि आपको एक चांस दे रहे हैं इस फिल्म में, सो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोजेक्ट। एंड व्हाट अबाउट प्रोफाइल, द काइंड ऑफ फिल्म यू वर्क कर रहे हो, पहले जो काम किया फिल्म में और आगे जो करने वाले हैं? जी सर, मैं अभी फिलहाल साउथ में कोंकणी फिल्म कर रहा हूँ, सो इसके फिलहाल वही चल रहा है मेरा। सो उसके बाद देखना, अभी ये कम्प्लीट होने के बाद लेट्स सी हाउ कम द ऑफर्स। बॉलीवुड में आपका डेब्यू है साउथ? या मेरा डेब्यू है फिलहाल साउथ से। किस तरह आप देखते हो और कैसे प्रेफर करोगे इस चीज़? सर ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। ओके सो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, इंटरेस्ट है वैसे भी एक्टिंग में, और हार्डवर्क करके स्मार्ट वर्क करके मैं अपना कैरेक्टर को जान लूँगा और पब्लिक से अप्रिशिएट लेने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक्स सर। अरुण फाट, हाँ मालूम है सर, हाँ ठीक है। अरुण इधर आओ, हाँ जरूर जरूर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, मेरा कैरेक्टर रियल कैरेक्टर है, मैं इनकी सिस्टर हूँ और इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ, और ये भी मेरी बहुत खास फ्रेंड है। तो हम सबके प्रोजेक्ट आया है, तो इसके लिए मैं इनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आई हूँ, बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्लोज टू मी, ऑल थ्री ऑफ देम। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबा ने हमें सरप्राइज दिया और आई एम सो टच विद दिस। सबा सोमी की बहन है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सोमी हमारे साथ काम कर रही है, और आगे जाके मैं आज रिवील कर रहा हूँ, सबा को एक फिल्म देने जा रहा हूँ जिसका नाम है फर्ज के आगे कुछ नहीं, विच आई हैड में। थैंक यू, आई डिड नॉट, या दैट वाज अ सरप्राइज। थैंक यू सो मच। और ये मेरी वाइफ है सुप्रिया, सुप्रिया मुखर्जी। थैंक यू सो मच, मुझे लग रहा है मैंने सरप्राइज दिया कि मुझे सरप्राइज मिला। अश्विन कम कम इन, ये जो सरप्राइज है एक बार आ जाओ। अच्छा ये अश्विन से अच्छा लगेगा काम करके। अश्विन यू वांट टू, वी आर वर्किंग टुगेदर एंड आई फील लाइक दिस टीम इज गोइंग टू बी सो नाइस। लाइक अ गाय इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग, ही इज सो वार्म, सो अफेक्शनेट, ये तो पता ही चल गया होगा।
दो मिनट के अंदर. थैंक यू. वेरी लविंग पर्सन, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. लेकिन फिल्म के अंदर इतने लविंग नहीं होंगे क्योंकि ये भाई बने हैं. भाई भाई बने. तो वहाँ पे ऑन सेट थोड़ा सा होगा, लेकिन ऑफ सेट तो बहुत मस्ती करेंगे. अलग टाइप के भाई हैं ऑन सेट, अलग टाइप के भाई ऑफ सेट. मैंने भी बियर्ड की तैयारी की है, चिपकाई नहीं है, असली है. अब मैं उतारने वाला हूँ, अलग लगना चाहिए ना थोड़ा. नहीं बट अश्मित के साथ बहुत मजा आएगा, एंड ही इज अ नाइस गाय. आई मेट हिम फर्स्ट टाइम टुडे, एंड फिल्माले स्टूडियो में है अश्मित, ये इसका घर है, एंड यहाँ ही रिहर्सल हम लोग बहुत करने वाले हैं, वर्कशॉप भी करने. मेरी पहली तीन फिल्मों की क्लाइमैक्स की शूट यहीं पे हुई थी, और तड़पा हूँ मैं यहाँ पे 10-12 दिन, क्योंकि तब एयर कंडीशन सेट्स नहीं होते थे. हाँ, यस. और बाप रे, एक्शन और स्वॉर्म का सेट था मेरी पहली फिल्म का. फिल्म का. और तो आई हैव good memories, but they were also very very torturous memories. Now you'll have very good memories. Now you'll have. Thank you ji. Thank you. Thank you.